नोएडा से बड़ी खबर, निठारी कांड में मोनिंदा सिंह पंडेर हुए रिहा। वकीलों की टीम जेल से लेकर निकली, मोनिंदर सिंह पंडेर चंडीगढ़ के लिए हुए रवाना। नोएडा से सच की बड़ी खबर, निठारी कांड में मोनिंदर सिंह पंडेर हुए रिहा। वकीलों की टीम जेल से बाहर निकली, मोनिंदर सिंह पंडेर चंडीगढ़ के लिए हुए रवाना। इस वक्त की बड़ी खबर, निठारी कांड में मोनिंदर सिंह पंडेर रिहा। वकीलों की टीम जेल से निकली बाहर, मोनिंदर सिंह पंडेर चंडीगढ़ के लिए रवाना। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, निठारी कांड में मोनिंदर सिंह पंडेर रिहा। वकीलों की टीम जेल से बाहर निकली, मोनिंदर सिंह पंडेर चंडीगढ़ के लिए हुए रवाना। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, निठारी कांड में मोनिंदर सिंह पंडेर हुए रिहा। वकीलों की टीम जेल से बाहर निकली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा। दिवाकर जी, मोनिंदर सिंह पंडेर जिनकी रिहाई को लेकर अभी कुछ बातें भी हो रही थी, वहीं इसी बीच वो रिहा हो चुके हैं और अब चंडीगढ़ के लिए रवाना भी हो चुके हैं, इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी रिहाई को लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया अफीफा की, जो मोनिंदर सिंह पंडेर है जो निठारी कांड के मुख्य अभियुक्त थे और उनको फांसी की सजा लोअर कोर्ट से सुनाई गई थी, जिसे पिछले दिनों जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा को माफ कर दिया था, क्योंकि 2006 से ही वो जेल में है और आज 18 साल बाद वो खुली हवा में सांस लेंगे और ले रहे हैं चलिए, क्योंकि वो निकल चुके हैं और उनका बेटा भी आज पहुंचा था, उनके वकील पहुंचे थे। दरअसल ये लाइव कल ही होने वाली थी, लेकिन कल एक परवाना एक रिलीज ऑर्डर नहीं पहुंच पाया था, इसलिए वो नोएडा की लखपत जेल से नहीं निकल पाए थे और आज वो ऑर्डर पहुंच गया और आज वो इसीलिए रवाना हो गए और वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। जी अफीफा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, निठारी कांड में मोनिंदर सिंह पंडेर हुए रिहा। वकीलों की टीम जेल से लेकर बाहर निकली, मोनिंदर सिंह पंडेर चंडीगढ़ के लिए हुए रवाना।